हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक पर न्यू वायरल वीडियो को लेकर। जैसे री रिलेटर वाले वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो है कुछ दिन पहले भी वायरल हुआ था काफ़ी तेज़ी से टिकटॉक पर, इससे यहाँ पे न्यू वर्जन में अपडेट हो चुका है। इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो वीडियो का लिंक आपको दे दिया गया है, वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पर बताता हूँ इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है, वो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कलर जो है आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है और वीडियो को आपको 10 से 15 सेकंड के आसपास कर देना है क्योंकि लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को डाउनलोड किया था, वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको स्टार्टिंग का कुछ पार्ट हमारा एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिप टू लेफ्ट कर देना है। वीडियो के लेयर पे प्रेस करके रखना है और इसे लास्ट तक लेकर जाना है। इसके बाद ओरिजिनल वीडियो को वॉल्यूम को आपको साइलेंट कर देना है और इसके बाद वीडियो को एक बार प्ले कर देख लेना है। तो देख सकते हैं वीडियो हमारा पे यहाँ पे एंड हो रहा है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और इसे हमें फुल साइज कर देना है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, क्रोमा की को आपको इनेबल कर देना है। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, तो यहाँ पर लेके आना है 4:9 पे, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। यहाँ पे मैंने 3D रिलेटर वाले वीडियो को डाउनलोड करके रख रखा हूँ, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसे हमें सबसे पहले फुल साइज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से A to Z आपको लेटर मिल जाएगा, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सिंपल आपको वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा होगा रिमूव हो जाएगा। प्रेस करके रखते ही आपको यहाँ लास्ट तक आ जाएगा। इसके फिर से एक बार प्रेस करके रखना है और इसे लास्ट तक लेकर आना है। तो मैंने यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। इसके बाद सबसे पहले हम एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। साइज थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, जैसे हम पहले छोटा कर देते हैं। इसके बाद अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दिल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएगा देखने को, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैंने इसे इंस्टॉल कर रख रखा हूँ, तो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे बैक कर लेता हूँ। लेयर पे आना है और इसके बाद इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कई सारे आपको देखने को मिल जाता है, जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी चाहिए, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, डन करता हूँ। इसके बाद इसे मैं जूम कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह के देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी बेहतरीन देखने को लग रहा है। तो इस तरह से आप स्टेटस बना सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को टिकटॉक साउंड पे भी अपलोड कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा आपको साउंड लगाना है तो आपको आइडियो पे आना है और जो भी आपको साउंड डाउनलोड कर रखे हैं सिंपल से उस साउंड पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं आइडियो जो होगा नीचे आ जाएगा। इसके बाद इसे प्रेस करके रखना है और लास्ट तक लेकर आना है। एक्स्ट्रा म्यूजिक को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा म्यूजिक भी लगा सकते हैं। पहले इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर कोई वीडियो आपके पास है, वीडियो में से आपको आइडियो लगाना है, तो सिंपल लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल तो कैंची के निशान पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। तो इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो है आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है और इसे आपको डिलीट कर देना है। तो इस तरह से दो तरीके से आप वीडियो में म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डन करना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा वीडियो जो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।